मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं इंडो प्लाइंटेक्स स्पेस वोल्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और सीईओ हूँ। हम लोग स्पेस एजुकेशन को लेके लोगों को अवेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है और आज आस्था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और बच्चों को, यहाँ के लोगों को जो रूरल एरिया में जिनको ड्रोन टेक्नोलॉजी या रॉकेट के अंदर इंटरेस्ट है बट वो जानते नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ। और क्या क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, अगर हमारे देश के अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है, लाइक सेटेलाइट कैसे बनता है, ड्रोन कैसे बनता है, रॉकेट कैसे बनता है, स्पेस रोवर क्या है, किस चीज़ का क्या बेनिफिट है, या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आने वाले टाइम में हमारे देश के बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है एम्प्लॉयमेंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार साइंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हम लोगों को ये नहीं पता कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो उसके लिए ISVR एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप आओ हमारे पास, या स्कूल और मैनेजमेंट हमारे पास आए, हम वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे लैब खोलें और बच्चों को हेल्प करें, एजुकेट करें। स्टूडेंट को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें? स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पहले टेक्नोलॉजी को सीखना, स्किल डेवलप उनके अंदर होगी, रॉकेट कैसे बनेगा, सैटेलाइट कैसे बनेगा, ये चीज़ें होंगी। आने वाले टाइम में वो जॉब के लिए, वो हमारी कंट्री में इसरो जैसी संस्था है या हमारे जैसे स्टार्टअप है, उनको जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चीज़ों को सीखेंगे, आउट ऑफ कंट्री में जाके वो काम कर सकते हैं। आने वाली जो स्पेस की वर्क फोर्स है वो बन सकते हैं हमारे देश की, आने वाले अंतरिक्ष के इतने सारे मिशन, उसके लिए भी तो हमें टीम चाहिए ना। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कल कैसे अच्छा होगा। जॉब के लिए बहुत स्कोप है आज हमारे देश के अंदर, साउथ के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हैं, हम खुद एक स्टार्टअप है। कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी चलाने के लिए आपको टीम चाहिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है, उस टीम को आप बना सकते हैं, खरीद नहीं सकते। उसके लिए हमें बच्चों से मिलना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी ताकि आने वाले टाइम में वो और बच्चों को ट्रेनिंग करें। सपोज अगर हमारे पास लैब है, हमने 10 स्कूलों में लैब ओपन कर दी, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? हर स्कूल में ट्रेनर भी तो चाहिए, तो वो बच्चे वहाँ ट्रेनर बन सकते हैं, चीज़ों को सिखा सकते हैं। ड्रोन फ्लाइंग के अंदर काम हो सकता है, अगर हम मेडिसिन सप्लाई में ड्रोन का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे आने वाले टाइम में सामने आते हैं। प्रोसेसिंग कैसा रहता है? प्रोसेसिंग जैसे कि अगर ड्रोन की प्रोसेसिंग है या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप ISVR की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ आप ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, उसको हम प्रॉपर कोर्स और सर्टिफाइड कोर्स प्रोवाइड करा के आगे उसको हेल्प करेंगे किस तरीके से, किस कंपनी के अंदर वो जॉब ले सकते हैं या हमारे साथ कैसे काम। सविता साहू, मुँ बालियंता ग्राम पंचायत MBK रूपए 165 SHG गोष्ठी में नहीं MBK रूपए कार्य करुच्छी। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆସ୍ଥା ଖାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ, ଯେହେତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ 15 ଜଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ 2 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ, ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ହୁଏ ଲୋକ ଆମର ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମେ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଉ ଆମର ରକେଟ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗରୁ ଖାଲି ବାହାଘର ଜନ୍ମଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇପାରିବା, ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି କିଛି ଦେଇପାରିବା, କିଛି ତା'ପରେ ଚାଷ ଉପରେ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇ ପାରିବା, ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିଖିଲୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ଆମେ ତ ଏଠି 15 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1658 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଠି 15 ଜଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇବୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ, ସେଠି ଶିଖିଲୁ ମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା କି ଆଜି ପାଣି ଘେରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତା'ର ବି ଆମେ ମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେଣି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ କାହିଁ ପଛରେ ରହିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ବନେଇବା ଦରକାର, ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବା ସହିତ ଜନସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ କାହିଁ ପଛିଯିବେ? ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ନ୍ୟାକ୍ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆମେମାନେ 2 ଦିନିଆ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବାଲିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂସେବିକା ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି,
बालियंता पंचायत में 1658 रु ऊर्ध स्वयं सेविका महिला मैंने अच्छा ये जो 20 जन पाखापाखी महिला मैंने आसी थे से माने ड्रोन माध्यम रे कृषि क्षेत्र में किभली भाव में तार उपयोग करा जाए जहाँ भी शिखिंट से जितेबाला से पंचायत लोक मानक कहे निश्चित आम जनसचेतन जग्रत कर नलेज तो जानूं कि सरकार प्रोत्साहन दरकार क्या ड्रोन टे बनवा आउ ये सहज कथा नुह कि ड्रोन उत्पादित विषय में गोटे जनजागरण आसे निश्चित भाव में सरकार से दिगरे निश्चित भाव उचित पदक्षेप ने जहाँ ड्रोन मध्यम आप कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड पकेबा किंबा सीड माने आपणकर मंजी बुणीबा ये सब कार्यक्रम है मुझे आज्ञा भावुँ बोधे आगामी दुई तीन वर्ष कि पांच वर्ष भितर आउ पेपर भेंडर मैंने रही बोलते ड्रोन मध्यम पेपर पकुवा क्षीर बांटा लोक मैंने हूँ तो लोक मैंने घर घर जाऊ ड्रोन मध्यम क्षीर बंटा हो प्रकार सब टेक्नोलोजी आडभांस हो तेनाली भाव में आडभांस हाँपी पड़ो आईप्रेक्षी में आस्था स्कूल अफ मैनेजमेंट इंडो स्पेस इंडो प्लानेटिक्स स्पेस रिसर्च कंपनी जहाँ दिल्ली बेस्ड कंपनी से सहायतार आम दुई दिन कर्मशाला कर ड्रोन उत्पादित विषय में लोक मान जनईचु एक रकेट प्रस्तुत कर रकेट टी उत्क्षेपण करुचु टेक्नोलोजी आगामी दिन में तार मानने से जीवन एवं ये संपर्क में समस्त लोक मानक अवगत करने आम ये प्रकार कर्मशाला आयोजन करशा करूँ ये प्रकार कर्मशाला आगामी दिन मध्य रखू और लोक मेरे टेक्नोलोजी को पहुँचेबारे आस्था स्कूल अफ मैनेजमेंट रो जो प्रकार आभिमुख्य अच्छी से निश्चय सफल हो।